एक असहाय सी बालिका जिसके साथ में दुष्कर्म हुआ, उसकी एफआईआर लिखाने के लिए जब गए, एफआईआर लिखने के बजाय उसके परिवारजनों में जबरदस्त मार पिटाई हुई। फिर उसके बाद में जब वो गुहार करने के लिए मुख्यमंत्री के यहां आए, ज्यादा पिटाई करने के बाद में उसको जेल में डाल दिया गया, क्रॉस एफआईआर। लेकिन जिसको नामजद एफआईआर है वह एफआईआर की गई, वो गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन क्रॉस एफआईआर करने वाले को जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने के बाद में जब उसे जलाने की कोशिश की, उसकी इतनी पिटाई की, जेल के अंदर पिटाई की, जेल से बाहर पिटाई की, और बहुत शर्मनाक तरीके से जो लोग पुलिस वाले उसके साथ में थे, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल की बात को हंस रहे थे और उसकी छोटों का मजाक उड़ा रहे थे, ये शायद मुख्यमंत्री जी को नजर नहीं आ रहा। चाहे खनन हो, चाहे किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो, चाहे उसके पिता की हत्या हो, ये तमाम चीजें आज जो है नियम और कानून की रज्जा उड़ाने के लिए सरकार ने जो है प्रयत्न कर रही है, और साथ में शायद अपने आप का ये झंडा लेके चल रही है कि हम तो यही है जो विवाद है, तो विवाद है। अभी तक जो है बहुत ही मजबूत लोग हैं, इसकी नाम तक मजबूत साथी है उनका, इसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो अभी भी बाहर घूम रहा है। आज अखबार में आया है कि शायद उनके भाई को गिरफ्तार कर दिया गया है और परिवार जो है पूरी तरह से दहशत में है। हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इसके लिए पूरी तरह से जानकारियां इकट्ठी करके जो वहां जाकर तमाम उस परिवार से मिलकर उसके परिवार के लोगों को संरक्षण देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, कानून की लड़ाई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। मैं इस विषय से इतना कहना चाहूंगा, बाकी और सवाल जो आपके हैं, जो आपके पास हैं, तो हमें फिर इसलिए कहना मैं चाहूंगा कि आप हमें जो सवाल है जो आपके